हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा डबल बेनिफिट। वो कैसे? वो इस तरीके से कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू अवर ह्यूमन बॉडी, और साथ ही साथ इस वीडियो में यूज किए जाने वाले कुछ टफ वर्ड्स के मीनिंग भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे की वीडियो में। डिड यू नो इट इज इम्पॉसिबल टू स्नीज विथ योर आईज ओपन। स्नीज, स्नीज का मतलब होता है छींकना या फिर छींक। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग है, खुली आंखों से छींकना नामुमकिन है। डिड यू नो अ पर्सन यूजेस 17 मसल्स व्हेन दे स्माइल एंड 43 व्हेन दे फ्राउन। मसल, मसल्स का मीनिंग होता है मांसपेशी। फ्राउन, फ्राउन का मतलब होता है भौं चढ़ाना, त्योरी चढ़ाना, क्रोध करना। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग होता है कि जब एक पर्सन स्माइल करता है तो वो अपने 17 मसल्स का यूज करता है, और जब एक पर्सन गुस्से से अपनी भौंहें चढ़ाता है तब वो अपनी 43 मसल्स का यूज करता है। डिड यू नो द साइंटिफिक नेम फॉर द बैली बटन इज द एम्बिलिकस। बैली बटन, बैली बटन का मतलब होता है नाभि। तो इस पूरे वाक्य का मतलब ये है कि नाभि का वैज्ञानिक नाम एम्बिलिकस है। डिड यू नो द ह्यूमन हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन साइज टू दैट ऑफ अ पर्सन फिस्ट। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, तकरीबन रूप से। फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। तो इस पूरे वाक्य का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के हृदय का साइज लगभग उसकी एक मुट्ठी के बराबर होता है। डिड यू नो व्हेन यू ब्लश योर स्टमक ऑल्सो टर्न्स रेड। ब्लश, ब्लश का मतलब होता है शर्म आना, शर्म से लाल हो जाना। स्टमक, स्टमक का मतलब होता है पेट। तो इस पूरे वाक्य का मतलब है कि जब आप शर्माते हैं तो आपके पेट का रंग भी लाल हो जाता है। फ्रेंड्स, जो भी वर्ड्स हमने इस वीडियो में यूज करे हैं हम उसे फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्नीज, स्नीज का मतलब होता है छींक या छींकना। मसल, मसल का मतलब होता है मांसपेशी। फ्राउन, फ्राउन मतलब भौं चढ़ाना, त्योरी चढ़ाना, क्रोध करना। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग या तकरीबन रूप से। फिस्ट, फिस्ट का मतलब है मुट्ठी। बैली बटन, बैली बटन का मतलब होता है नाभि। ब्लश, ब्लश मीन्स शर्म आना या शर्म से लाल हो जाना। स्टमक, स्टमक का मतलब होता है पेट। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में यूज किए हुए वर्ड आपको हमेशा के लिए याद रहें, तो प्लीज कोशिश करिए इन सारे वर्ड्स को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट कि अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी वोकैबुलरी का स्ट्रांग होना। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।